वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही में बेल पे क्लिक करना ना भूलना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट ज़रूर आए। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। एग क्लब सैंडविच बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए 4 बॉयल्ड एग्स, 1 अंडा जिसका हम एग पोच बनाएंगे, मेयोनीज 1/2 कप और 1/2 कप ओनियन कैप्सिकम चॉप्ड और ग्रेटेड कैरेट। सबसे पहले हमने एग्स को बीच से कट किया। अब इसका येलो पोर्शन हम एक बाउल में रखेंगे और वाइट पोर्शन अलग बाउल में रखेंगे। उसके एग योक के ऊपर हम डालेंगे मेयोनीज 2 चम्मच और 2 चम्मच ओनियन कैप्सिकम चॉप्ड। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें डालेंगे हम ये वाइट पोर्शन अंडे का। अब इन सबको अच्छे से मिला लें। ये देखिए मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम नमक और क्रश्ड ब्लैक पेपर डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिला लें। ये देखिए मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब हम एग पोच बनाएंगे। उसके लिए हमने एक पैन को मीडियम फ्लेम पे गरम किया। इसमें हमने डाला है 1 अंडा, 1 तरफ से बन गया है। अब हम इसको फ्लिप करें दूसरी तरफ से। ये देखिए हमारा एग पोच बनके तैयार हो गया है। हमने ये 4 ब्राउन ब्रेड स्लाइस लिए हैं, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हमने सबसे पहले लगाया है बॉयल्ड एग का मिक्सचर जो हमने बनाया था। ये हमने एक मेयोनीज लिया है 1/2 कप, उसमें हमने थोड़ी सी ग्रेटेड कैरेट डाली है और सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाला है। इसको हम दूसरे स्लाइस पे लगाएंगे। अब हम तीसरे स्लाइस पे एग पोच रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ये चीज़ लगाएंगे। आप इसमें स्लाइस भी लगा सकते हैं या ग्रेटेड चीज़ भी लगा सकते हैं। अब हम सारे स्लाइसेस को कवर कर रहे हैं। ये देखिए हमारा 4-लेयर्ड एग क्लब सैंडविच बनके तैयार हो गया है। अब हमने एक पैन को गरम किया मीडियम फ्लेम पर। इसमें हमने डाला 1/2 चम्मच बटर। बटर के गरम होते ही हम इसमें ये सैंडविच रखेंगे। एक तरफ से बन गया है। अब हम इसको फ्लिप कर रहे हैं दूसरी तरफ से। ये देखिए अच्छे से टोस्ट हो गया है। इसको अब हमने एक प्लेट पे रखा। इसको हम बीच से कट कर रहे हैं। ध्यान से कट कीजिए ताकि इसका जो मिक्सचर है वो बाहर ना निकले। तो ये देखिए हमारा एग क्लब सैंडविच बनके तैयार हो गया है। आप इसको सॉस के साथ सर्व कीजिए और ऊपर से इसमें ये चीज लगाएं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।